देखिए बता क्या दे मेरे भाई। किस किस दिन कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति का पर्व हमारे पूरे हिंदू समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और हमारे उत्तराखंड में इसका विशेष महत्व है। और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ मेले का आयोजन करते हैं। ये इस बार का मेला हमारा 27वां मेला है। 2 बार कोरोना के कारण हम लोग मेले में की सेवाएं नहीं दे पाए लोगों को, और हमारे यहाँ जो है लगभग 150 स्टॉल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। और सारे स्टॉल हमारी कोशिश ये रहती है कि इसमें उत्तराखंड की संस्कृति की चीज़ें हों, सामान उत्तराखंड का हो, चाहे दालें हों, चाहे वहाँ की जूस हैं, उसके अलावा वहाँ के बाँस का अचार है, बहुत चीज़ें हैं उत्तराखंड की जो देखने को यहाँ पर मिलती हैं, लोग यहाँ ख़रीदारी करते हैं। सर क्या विशेष रहेगा? विशेष हमारा ये सारी चीज़ें, और इसमें साथ में हमारा छोलिया नृत्य है जो हमारा विशेष आकर्षण केंद्र रहता है। हमारा रंग समाज है, एक पिथौरागढ़ के रहने वाले निवासी है, उनका भी नृत्य है, और उसके अलावा सांस्कृतिक टीमें हमारी वो जो उत्तराखंड से आ रही जगह। छोलिया नृत्य आपने बताया, ये क्या है थोड़ा सा? अगर बरेली वासियों के लिए, आर्मी का बैंड भी हमारा विशेष है। और जहाँ तक छोलिया नृत्य का शब्द देखिए, छल से निकला, ये एक समय की बात है जबकि हमारे लोगों पे जब कभी बाहर आक्रमणकारियों ने हमला किया था तो उनको छल से मारा गया था, नृत्य के रूप में करते हुए गए थे वो लोग, और तब छल से उनको मारा था, तब से उसका नाम छोलिया नृत्य पड़ा। रंग यात्रा सुबह 10:30 बजे से हरी झंडी दिखाएंगे माननीय विधायक कैंट संजीव अग्रवाल जी, बरेडी वो अम्बेडकर पार्क कोतवाली के सामने से हरी झंडी दिखाएंगे, वहाँ से चलते हुए हम लोग अयुखवा चौराहे होते हुए, चौकी चौराहे होते हुए, सरकार चौराहे से होते हुए बरेडी क्लब में यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार महामहिम राज्यपाल आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं।